दोस्तों आप आ चुके हैं फिर से बंका मशीन के वीडियो में और यहाँ बातें होती है टेक्निकल टेक्निकल मतलब मशीनों के बारे में बातें होती है जो मेटल काटने वाले होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में। आईईसी क्या है? आईईसी मतलब इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन। इन्होंने मोटर के लिए IE1, IE2, IE3 और IE4 ऐसे स्टैंडर्ड बनाए हैं। IE1 77 इफिशियंट मोटर होती है, मतलब 100% में से 77 इफिशियंट मोटर होती है, जबकि IE2 में इफिशियंसी होती है 83%। ऐसे ही इफिशियंसी IE3 में होती है 86% से ज़्यादा, और ऐसे ही IE4 में उससे भी ज़्यादा इफिशियंसी होती है। लेकिन यहाँ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ IE2 और IE3 स्टैंडर्ड की ही मोटरें चलती है। जो लोग ये मानते हैं कि ब्रांडेड मोटर लेने से आपको पावर सेवर मोटर मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये ऐसा है कि हैवल्स या क्रोमटन भी IE2 और IE3 स्टैंडर्ड की मोटर में प्राइस डिफरेंस रखते हैं, और इसी वजह से IE3 स्टैंडर्ड की मोटर इंडिया में महंगी मिलती है। अब बात करते हैं आगे की। ये बात यह है कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोटर को कैसे बनाया जाता है और बनाने के बाद उसे कैसे चेक किया जाता है, जिससे कि आपको मोटर की इफिशियंसी के बारे में पता चले। आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे सभी मशीन में इलेक्ट्रिकल मोटर फिट होती है, लेकिन मेरा ये आज का प्रयास है कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये मोटर कैसे चेक की जाती है, जो मैन्युफैक्चर है वो कैसे इसे चेक करता है, ये आपको बताऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप हमारे वीडियो में बार बार आते रहते हैं।